हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। ये जो मेरे पास आई है हुंडा साइन, जो कि 100cc का V6 मॉडल है, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 5 मिनट तक स्टार्ट पर रुक रहा है और उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हुंडा लिखा हुआ है टैंक पे और ये साइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और V6 मॉडल है ये, जो कि 100cc का है। V6 मॉडल हुंडा साइन, ठीक है, अभी अभी जो निकला है वही मॉडल है ये। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्टिंग का दिक्कत आ रहा है दोस्तों। स्टार्ट जैसे कर रहे हैं तो चेक लाइट भी दिखा रहा है और कुछ टाइम के बाद स्टार्ट ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे कि 2 से 3 मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है बाइक। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना चला हुआ है टोटल, आप देख पा रहे होंगे 12,456 किलोमीटर चला हुआ है टोटल, आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको देख पा रहे होंगे, और जैसे कि मैं इग्निशन अभी ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जलने के बाद ऑफ हो जाना चाहिए कुछ सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू जल रहा है, जो चेक लाइट है कंटिन्यू जल रहा है, ये नहीं जलना चाहिए, कंटिन्यू जल रहा है। और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए जैसे कि मैं अभी सेल बटन दबा रहा हूँ, स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। देखिए अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये चला जाना चाहिए, जो चेक लाइट है ये चला जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं जा रहा, ये ऑफ हो जाना चाहिए बाइक स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है और बाइक अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हैं, देखिए स्टार्ट हो चुका है लेकिन चेक लाइट नहीं जा रहा है, कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बाइक ऑफ हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं पैनल कवर ओपन कर चुका हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे बैटरी लगा हुआ है इसका, और यहां पे कुछ टूल किट है यहां पे, इस जगह पे आप देख सकते हैं, और इस जगह पे डाटा लिंक कनेक्टर, जो कि कनेक्टर यहाँ पर रहता है, OBD स्कैनर में लगा चुका हूँ, इस जगह पर कनेक्ट कर चुका हूँ। देखिए कनेक्टर लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरा OBD स्कैनर, ठीक है। और इस साइड में इसको ऑन करता हूँ, पहले इसका इग्निशन को मैं ऑन नहीं किया हूँ। जैसे ऑन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इस जगह पे चेक लाइट कुछ टाइम के लिए आना चाहिए, 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा है। और बाइक कितना किलोमीटर चला हुआ है, 12,456 किलोमीटर चला हुआ है टोटल, ठीक है। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, जैसे कि 2 किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, और करंट भी कट हो रहा है दोस्तों। इस बाइक में वही प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे देखिए मैं जैसे कि इग्निशन को ऑन कर दिया, अब देख सकते हैं ये ऑफ हो जाना चाहिए लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है। अब लोग को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो गया है, अब देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा है, ये चला जाना चाहिए स्टार्ट होने के बाद, लेकिन नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑफ करते हैं, फिर से ऑफ हो गया, ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं OBD स्कैनर लगा हुआ है, और क्या प्रॉब्लम है चलिए वो देखते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर OBD डायग्नोस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस जगह पर, तो उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करते हैं। देखिए मैं एंटर बटन को प्रेस किया, यहाँ पे MIL टाटस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑन दिखाई दे रहा होगा, देखिए, और वन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई एक फॉल्ट है, समझे कि एक फॉल्ट है। तो फिर से मैं एंटर करता हूँ, ऑन हो गया, रीड पोर्ट पे आना है, करंट DTC जो कि अभी का फॉल्ट क्या है, फिर से एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कोड निकल रहा है अभी P0335 एरर कोड दिखाई दे रहा है, और क्रैंक पोजीशन सेंसर ए सर्किट, जो कि क्रैंक पोजीशन सेंसर, जो कि CKP सेंसर का प्रॉब्लम दिखा रहा है दोस्तों, क्रैंक पोजीशन सेंसर, ठीक है, जो पिकअप कॉइल बोलते हैं। अपडेट करके देखते हैं जाता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ब्रेक आना है, फिर से ब्रेक आना है, गिट पे इरिच कोड पे आना है, इरिच कोड, उसके बाद फिर से एंटर करते हैं। देखिए फिर से एक बार एंटर करना है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जाता है कि नहीं। फिर से जैसे ही मैं एंटर करूँगा जाना चाहिए, 3 बार आपको एंटर करना है, एंटर मारा, चला गया दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ का जो लाइट जल रहा था, पहले ब्लिंक कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं, अभी चला गया। फिर से मैं इग्निशन को ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, चला गया दोस्तों, ऐसे जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अभी, देखिए स्टार्ट है और ये चला भी गया है। कुछ टाइम के बाद, 2-3 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली फिर से ऑन हो जाएगा और बाइक बंद हो जाएगा। देखिए
मैं टोटल दे रहा हूँ, टोटल भी ले रहा है, अभी ले रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल ले रहा है। अब देख सकते हैं टोटल ले रहा है कि यहाँ पे MIL लाइट है, कंटिन्यू जलेगा, उसके बाद बाइक बंद हो जाएगा, फिर से जैसे ऑन होगा उस टाइम बंद हो जाएगा, और उसका करंट भी नहीं आता है स्पार्क प्लग में। चलिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो चला गया है, देखते हैं कितना टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों ये बंद हो गया। ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया, फिर बंद हो गया। देखिए मैं ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन कर रहा हूँ, देखिए चेक लाइट फिर चला जाना चाहिए, लेकिन फिर से कंटिन्यू जल रहा है, आप देख सकते हैं। और जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, सेल्फ ले रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर से एरर आ गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से कौन सा एरर आ रहा है, अभी स्कैन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कौन सा कोड आ रहा है देखते हैं, फिर से एक बार एंटर, रीड कोड, करंट DTC, वही फिर से आ रहा है। देखिए मैं जैसे इसको स्कैन किया था, अभी स्कैन करके अपडेट किया तो चला गया था, फिर से वही आ रहा है, आप देख सकते हैं वही फिर से जल रहा है इस जगह पे। चलिए फिर से एक बार मैं इसको देखता हूँ अपडेट करके, से देखिए इसको इरिज करते हैं, इरिज करने के बाद फिर जा रहा है, फिर से आ जा रहा है, तुरंत आ जा रहा है। देखिए मैं इरिज कोड पे आया, आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी एंटर करूँगा, देखिए फिर से अपडेट कर रहा हूँ, देखिए ब्लिंक कर रहा है खाली और नहीं जा रहा है, इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है और नहीं जा रहा है, फिर से जल रहा है दोस्तों, ब्लिंक कर रहा है। देखिए एंटर कर रहा हूँ, फिर से आ गया, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। चलो मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ, देख किया, अभी फिर कर रहा हूँ रिच, खाली ब्लिंक कर रहा है, फिर रुक जा रहा है, चला जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, फिर से आ गया दोस्तों, इस तरह प्रॉब्लम कर रहा है। और इसका जो कि सेंसर का प्रॉब्लम है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसका यहाँ का जो सेंसर रहता है, सेंसर का प्रॉब्लम दिखा रहा है इस जगह पे, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, इस जगह में यहाँ पे जो लगा हुआ है क्रैंक पोजीशन सेंसर, इसका ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसको चेक कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि P0335 उसका जो एरर कोड है वो जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो ब्लिंक कर रहा है, तो उसके बाद अभी बाइक बंद हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हीट होने के बाद बाइक बंद हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा हीट होने के बाद बाइक बंद हो गया है, और इसका एरर कोड दिखा रहा है, जो कि टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा हीट होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। ये जो सेंसर है, CKP सेंसर है, वो ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं हम लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका रीडिंग कैसे चेक करना है, कि यहाँ तक वोल्ट कितना आ रहा है, कौन कौन सा ओवर में कितना वोल्ट आता है, वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि इसका कॉइल ख़राब है, आप कैसे करके पता लगा सकते हो कि इसका जो CKP सेंसर है वो ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पे 3 वायर का रहता है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 वायर का है, जो कि इस जगह पे जो सेंसर में लगा हुआ है कनेक्टर जो है, ये यहाँ पे 3 वायर का है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे कौन कौन सा वायर है चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, ऐसे पकड़ो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में फास्ट वाला जो वायर है रेड में वाइट कलर का, यहाँ पे वोल्ट आना चाहिए 0.5, जो कि 5 वोल्ट का आता है, 0.5 नहीं, 5 वोल्ट का यहाँ पे आएगा, सप्लाई आएगा जैसे इग्निशन आप ऑन करोगे। ठीक है, इस जगह पे, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे और एक है, इस जगह पे बीच का जो वायर है, 1-2 नंबर का जो वायर है बीच का, उसमें ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड आता है। और इस जगह पे जो आपको दिख रहा होगा, जो कि ब्लू पे येल्लो जो वायर है इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये 1-2-3 नंबर, 3 नंबर का, तीसरा नंबर का जो यहाँ पे है ब्लू पे येल्लो जो है, इसमें सिग्नल जाता है ECM तक। ठीक है, ECM तक जाता है, यहाँ पे सिग्नल जाता है ECM तक, तो अगर यहाँ से ECM तक सिग्नल नहीं जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। और ये हो गया ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये बीच का जो है ग्राउंड हो गया, इसका कलर है वाइट पे येल्लो, जो बीच में है वाइट पे येल्लो। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अगर ये सब कुछ चेक करने के बाद सही है, इसका यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, यहाँ से ग्राउंड आ रहा है, वहाँ पे सिग्नल जा रहा है, तो इसका जो सेंसर है, सेंसर को चेंज करना है, जो कि CKP सेंसर है जो लगा हुआ है, CKP सेंसर क्रैंक पोजीशन पे जो लगा हुआ है उसको चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।